उनके साथ हमारे ब्राह्मण सभा के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर राममूर्ति शर्मा जी, इनके साथ ही हमारी एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन वेद शर्मा जी, हमारे शिव मंदिर कमेटी के प्रधान और सीनियर साथी ब्राह्मण सभा से जुड़े नरेंद्र शर्मा जी, हमारे जितने भी गांव से जो यूनिट है, हमारे सीनियर साथी एडवाइजरी कमेटी के मेंबर, सब राम समाज के लिए, गरीबों के लिए और अपने सबों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। देखकर पिछले साल और उनमें से एक है कि बिजली काली तो निश्चित इसके पास आप जितने भी बच्चों को प्राइज मिला, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सारे मंच पर आए, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। और कठुआ बा उसके आसपास के इलाके से आए हुए बुद्धिजीव साथी, मैं आप सबका ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर विशंत उबट, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और सभा के अनेक कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की ओर से आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले दो साल तक कोविड के कारण हमारे कार्यक्रम ज्यादा गतिशील नहीं रहे, लेकिन हम रुके नहीं, सभी प्रोग्राम जो ब्रह्म सभा मनाती है मनाती रही और उसकी ही कड़ी में आज का जो प्रोग्राम भी यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक तो पहले से इतने ऑर्गेनाइजर्स की बहुत बड़ा धन्यवाद की भी इतने इन्हें बुलाया, इतने सम्मानित किया, ब्राह्मण सभा के जिन्हें भी अधिकारी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इतने जिन्हें सारे इस हॉल च पधारे दिन जिन्हें भी महानुभाव जड़े उनका भी मैं शुक्रिया अदा करा कि उन्हें आइए भी इन्ना आदर दिता सत्कार दिता।
मैं इतने आ रहा जिले में गेट के अंदर एंटर करा रहा हा मी हार पुआए जाइए तो मी अज का दिन वो याद आई है कि मैं 1992 जिले में 90 से पे डीसी आया हा तो 1992 जिले ट्रांसफर हो गया है शायद उदे बाद मी अज तक कभी हार इन्ने पे नहीं जिन्हें अज इतने कई उसले जे साथी उसले भी जिले मेरे फेयरवेल जे शामिल है जिन्हें उसले भी इन्नी इज्जत दिती भी साथ दिता इतने कठुआ च डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वास्ते उन्हें भी कई हार पुआए दौड़ते उन्हें भी याद होना कि इन्ने हार उसके बाद मी भी कभी कोई नहीं इस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद सारे का कि उन्हें भी इन्ना आदर किया जाइए। श्री दुष्यंत उपज जी ब्राह्मण सभा के प्रेजिडेंट राममूर्ति जी अनुज केसर जी अजीत जी इतने सारे बड़े हाल ब्राह्मण समाज जड़ा है कि उनकी परशुराम जयंती भी आने वाली है जैसे ब्राह्मण समाज ने हमेशा समाज एक बड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है जाइए कि वो अपनी अलग एक आइडेंटिटी बनाने के करने करने उसी एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी नहीं रखता जाइए उस आइडेंटिटी करने और लोगों की दूए समाज की अपने करने बराबर चुकने वास्ते कोशिश करता रहना चाहिए। तो मैं समझना कि जिया मैं सुना रहा जिले थे स्टेज के जेडे सैकटरी है सतपाल जी जिले आप रहे जाइए कि अस अपने जे समाज बच्चे की रिकगनाइज करने अस दूए लोगों की मदद भी करने और खासकर कोविड के दौरान जिले लोगों मदद दी जाइए तो वो एक बड़ी चंगी गल है कि अस अपनी मदद करचे पर उस कला ज्यादा भी जरूरी गल है और चंगी गल भी है अस दूए लोगों की मदद भी करचे ताकि उनका भी भला हो सके कि परमात्मा सारे दे अंदर है मेरे अंदर भी है थोड़े अंदर भी है सारे अंदर है इस वास्ते जिले दूए की मदद करने अपनी मदद कर रहे हैं उनकी मदद करना है इस वास्ते भी इतने ब्राह्मण सभा का बहुत बहुत मुबारक के हकदार और मैं उन्हें भी बधाई दिना कि उन्हें इस किस्म के अच्छे स्टैप ले जाइए।